è vero, abbiamo avuto una buona conversazione. Aapka naam kya hai? Wie heißt sie? Ich heiße Mirella Schlegel-Groß. हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में और हम बनाते हैं वीडियोस अबाउट स्विट्जरलैंड। तो हमारे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमें कि मतलब हमारी लाइफ के बारे में कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ रहते हैं। तो इस टॉपिक पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है तो आप वो ज़रूर देखिए। और इसके बाद हमें जो अलग टाइप के और कमेंट्स आते हैं कि भाई स्विट्जरलैंड में यूरोपियन लैंग्वेज बोली जाती है, जर्मन, फ्रेंच वगैरह, तो हम यहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं, क्या हमें भी वो लैंग्वेज आती है। तो इन क्वेश्चंस के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लैंग्वेज बैरियर और क्या आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, और आप अगर यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो आपको क्या लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इसी वीडियो में हम आपको इन सब लैंग्वेज प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में ना, जहाँ जिस पार्ट में हम रहते हैं वहाँ पे जर्मन बात की जाती है, और जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे फ्रेंच और इटालियन बात की जाती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे जो पब्लिक एजुकेशन होता है यहाँ के पब्लिक स्कूल्स में वगैरह, तो बचपन से उनको उनकी ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, सब कुछ उनका लोकल लैंग्वेज में ही होता है। इसलिए इस वजह से यहाँ पे फिर जो लोग यहाँ पे काम वगैरह करते हैं उन सबको वही लैंग्वेज आती है। सिर्फ जो लोग काफ़ी एडवांस एजुकेशन लेते हैं, जैसे मास्टर्स वगैरह करते हैं या फिर आगे जाके थोड़ा इंग्लिश सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो फिर उन लोगों को ही इंग्लिश आती है। तो ये रीज़न है जिस वजह से यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब आगे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली जो प्रॉब्लम आ सकती है आपको वो है ग्रॉसरी शॉपिंग या फिर कोई भी शॉपिंग। तो जब आप स्विट्जरलैंड आते हैं और आपको कहीं शॉपिंग करनी है और आप सुपरमार्केट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको किसी को डाउट वगैरह पूछना है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को नहीं आती है इंग्लिश। और उसके बाद आप कहीं अगर किसी होटल में वगैरह खाना खाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो मेन्यूज़ वगैरह होते हैं वो भी सारे जर्मन में होंगे या फिर फ्रेंच में होंगे, और वहाँ के वेटर्स को भी वही लैंग्वेज आएगी। तो आपको अगर कोई डिश आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके वो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको दिक्कत तो आएगी ही। जैसे आपको कुछ कस्टमाइज़ अगर करना है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा मीडियम स्पाइसी खाना चाहिए, या फिर प्याज या लहसुन नहीं हो आपको पसंद है, तो आप वो पूछते हैं कि भाई ये डिश में है या नहीं, तो ऐसा कस्टमाइजेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं लैंग्वेज की वजह से। और तीसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पे फेस करते हैं हम, वो है हेल्पर्स की, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये लोग होते हैं, इन लोगों को भी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज ही आती है। तो अगर वो आते हैं आपके यहाँ पे कुछ रिपेयर करने के लिए, तो आप उनके साथ ठीक से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फ्रिज हमारा ख़राब हो गया था और वो बंदा आया था ठीक करने के लिए उसको, तो उसके साथ हम ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, तो वो तब भी हमें बहुत दिक्कत गई थी। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे पब्लिक इवेंट्स और पब्लिक अनाउंसमेंट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे फिर अनाउंसमेंट वगैरह होती है, तो फिर वो भी उनकी लोकल लैंग्वेज में होगी, और फिर वो आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत जा सकती है। जैसे कि किसी ट्रैम का रूट बदल गया है, या ऐसे कभी कभी होता है, रेयरली होता है लेकिन होता है कि ट्रैम का रूट बदल जाता है फॉर सम रीज़न, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसे भी दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट का आपको अगर कोई काम है, जैसे कि हमें परमिट एक्सटेंशन के लिए जाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन का अगर कुछ काम होता है, गवर्नमेंट के भी जो काम होते हैं वो यहाँ सारे जर्मन में होते हैं, तो फिर हमें वहाँ भी थोड़ी दिक्कत जाती है। तो हम फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी सारे जर्मन लैंग्वेज में आते हैं, तो फॉर्म फिल करना वगैरह उसमें भी थोड़ी दिक्कत हमें जाती है। तो ये सारी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है वो रियल है, वो आप फेस भी करेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए एक तो सोल्यूशन है कि आप वो लैंग्वेज सीख लो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन जो है वो है ये डिवाइस। तो टाइम केटल कंपनी ने एक ये डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्लुएंट टॉक, और ये 40 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और 93 एक्सेंट्स को सपोर्ट करता है। इसका मतलब कि जैसे एक ही लैंग्वेज में कई तरह के एक्सेंट भी होते हैं, तो आई थिंक सपोर्ट ऑफ एक्सेंट भी ज़रूरी होता है। और इसमें कुछ फीचर्स हैं जैसे कि वन क्लिक ट्रांसलेशन और चैट कन्वर्सेशन, जो कि 0.2 सेकंड्स के अंदर में ये
एकदम फ्लुएंटली आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये तो ये 0.2 सेकंड्स के अंदर ट्रांसलेट कर देता है और आप इजीली सामने वाले के साथ बात कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें एक कैमरा भी दिया गया है, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी फॉर्म है तो आप उसका फ़ोटो लेके उसको ऑन द फ्लाई ट्रांसलेट कर सकते हैं और इजीली रीड कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स इसमें अवेलेबल है और हमें लग रहा है कि ये डिवाइस सही में हेल्पफुल रहेगा, इसलिए हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि ये लोकल लोगों के साथ वगैरह कन्वर्सेशन करने का ट्राई करते हैं। और आज हम लंच करने भी जाने वाले हैं, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या ये सही में यूज़फुल है उतना। तो अभी मैं इस प्रोडक्ट का जो चैट ट्रांसलेशन का फीचर है उसका एक ट्रायल लेने वाला हूँ इनके साथ। तो अभी हम इनके साथ बात करेंगे, रन टाइम पे ये ट्रांसलेट करेगा, ठीक है? तो ओके, तो आपका नाम क्या है? Allora come ti chiami? Mi chiamo Massimiliano. Mera naam Maximilian hai. तो आप स्विट्जरलैंड में कब से रह रहे हैं? Da quanto tempo vivi in Svizzera? Da 4 anni. 4 साल की उम्र में. Ciao. Okay, cool. And आपका मूल स्थान क्या है? Qual è il tuo luogo di origine? Vengo dall'Italia. मैं इटली से हूँ. ओके ग्रेट, सो आई थिंक ये अच्छे से काम कर रहा है और हम अच्छे से कन्वर्सेशन भी कर पाए। सी è vero, abbiamo avuto una buona conversazione. ओके ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स, दैट्स अ गुड रिव्यू, सो गुड लक विद द चैनल। या थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे बाय। तो ये जो फीचर था आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये रन टाइम पे हम क्विकली कॉन्वर्स कर रहे थे। तो अभी चलते हैं और रेस्टोरेंट में कुछ हम ऑर्डर करते हैं अभी इस डिवाइस का यूज करके और देखते हैं ये वहाँ पे कैसे काम करता है। ये है रेस्टोरेंट रोडी जहाँ पे हम टर्किश खाना खा सकते हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। इसमें ना एक चैट का फीचर है जिसमें अपन रियल टाइम में चैट कर सकते हैं, तो वही मैं अभी ऑन करने वाला हूँ चैट। और मैं इस साइड से इस बार इंग्लिश में बात करूँगा और उन्हें सिर्फ जर्मन आती है, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती और दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है। तो इंग्लिश टू जर्मन हम अभी कन्वर्सेशन करने वाले हैं। तो आज सैटरडे है और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लग गई है, उनको वीडियो करना है और तभी ऐसे तो कोई कुत्ता नहीं आता यहाँ पे, आज पूरा भर भर के आ रहे लोग। Is there any vegetarian dish available here? Ja, wir haben Falafel, wir haben vegetarische Pizza, vegetarische Pide. Das ist alles. We have veggie pizza. That's all. And falafel is made from what? Falafel werden aus Kichererbsen gemacht. Are made from chickpeas. Okay. Is there any dish that does not contain onion and garlic? Gibt es ein Gericht, das keine Zwiebeln und Knoblauch enthält? Ja, keine unserer Gerichte enthalten Knoblauch oder Zwiebeln. Wir fügen Sie zusätzlich hinzu. Yes, none of our dishes contain garlic or onions. Okay, बढ़िया. Add extra. तो यहाँ पे फिर मतलब कोई बेसिक डिश नहीं है जिसमें ओनियन और गार्लिक प्रेजेंट है। oh, तो आई थिंक अपने जैन दोस्तों के लिए भी ये काम का है। तो अभी हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं यहाँ से। वी वुड लाइक टू हैव वन डोनर कबाब इन एंड वन पोले कबाब। Of course, yeah. तो गाइस यहाँ पे अभी हमारा ऑर्डर बन रहा है और इसमें काफी सारे वेजीज भी जाते हैं तो इसलिए अच्छा लगता है हमें। और यहाँ पे इसका मेनू लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ से हमारा ऑर्डर लेंगे और दिखाते हैं आपको क्या आया है।
तो अब हमारा ऑर्डर बन जाएगा। तो गाइस कृषि थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था इसलिए फिर हमने वहां से पार्सल ही ले लिया और अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके खाएंगे। आई थिंक ये जो डिवाइस है ये अपने को सपोर्ट कर सकता है काफी सारी जगहों में जहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम पड़ता है। जैसे आप इवन विद इन इंडिया भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे साउथ में वगैरह गए, अभी कल्याणी अपने किससे बताते हैं जब वो चेन्नई में काम कर रही थी तो वहाँ पे उसको रिक्शा वगैरह लेने में भी दिक्कत आती थी, तो वो आई थिंक वहाँ पे भी जो लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज चलती है वो सेम सिनेरियो यूरोप में भी घूमते वक्त भी लागू होता है, चाहे आप फिर रशिया आ जाए वहाँ पे भी लागू होता है। तो आई थिंक ऐसे डिवाइसेस हेल्पफुल रहते हैं, इसलिए हमने इस पे एक वीडियो बनाने का सोचा क्योंकि आई थिंक ये बड़ी प्रॉब्लम है और इसका ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, इसके लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मेंशन कर देंगे और आप हमारा कूपन कोड अगर यूज़ करेंगे तो आपको इस पे डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसी हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय।